Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Budgeting Tips. Here in this video we are going to cash stuff for the month of November. हम यहाँ पे अपनी सैलरी जो 28,000 है उसको अपने कैश बाइंडर्स में इस पर स्टफ करने वाले हैं. तो मुझे ये सैलरी 28,000 मिली थी क्योंकि ऑलवेज आई गेट 30,000 बट दिस टाइम आई गॉट 28,000 क्योंकि मैं घर चले गई थी दिवाली पर. सो मेरा सैलरी कुछ कट हो गया और उसका बजट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल जस्ट वॉन्ट कि आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए सो दैट आपको पता लग जाए कि जो मैंने अपने 28,000 की सैलरी उसको कैसे हर एक एनवेलप में डिवाइड किया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट डाइव इन टू द वीडियो. सो आई पुट दिस बाइंडर असाइड. ओके सो हेयर आई हैव द 28,000 रुपीज कैश इन माई हैंड. आई नीड टू काउंट इट कि 28,000 है कि नहीं है. सो लेट्स काउंट इट. आई हैव 1, 2, 3, 4, 5 दैट इज 10,000 रुपीज. दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज द डमी मनी. जो भी मेरा ऑनलाइन एक्सपेंस होगा उसको मैं डमी मनी में यूज करूंगी और जो भी मेरा ऑफलाइन रहेगा वो मेरा रियल मनी में रहेगा. सो दिस इज 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब मेरा रियल मनी था. सो 13 है 6,500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and this 20. So 20 is 10,000 plus 10,000. 1, 2, 3 that is 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 that is 800 plus 50 that is 100. So yes, I have the 28,000 in my hand. So let me just fix these money here. So this I have done. So now I'm going to bring my cash dividers and fill cash binders and fill these. Okay. So the first binder which I have is the black binder, in which the first category I have is bill. Bill is the rent which I'm paying. So I'm paying 7,500 rupees. ये मेरा online रहता है. So I'll do 1, 2, 3. That is 6,000, 1, 2 and 3. So 2, 4, 6, 7 and 5. 7,500. This is my rent money. Next I have is charity. For charity I am doing 100 rupees. Sorry, 300 rupees. And ye main real cash mein karungi. So this is all is the real cash. 1, 2 and 3. Okay. नेक्स्ट आई हैव इज टेम्पल. टेम्पल में मैं रियल कैश यूज करने वाली हूँ. दैट इज 100 रुपीज. सो ये 100 रुपीज जाएगा टेम्पल में. नेक्स्ट आई हैव इज रिचार्ज. फॉर रिचार्ज आई एम स्टफिंग 250 रुपीज और इस मंथ में को रिचार्ज करना है. सो नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 750 रुपीज इन रिचार्ज. सो मेरा रिचार्ज इस मंथ हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. फॉर इंश्योरेंस आई एम पेइंग 2,300 रुपीज. 2,300. सो दिस इज आई एम डूइंग इन इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आई डू ऑनलाइन. सो आई विल पुट 1,500 डमी मनी. नेक्स्ट आई हैव इज इमरजेंसी. फॉर इमरजेंसी आई विल बी डूइंग इन रियल कैश. दैट इज द 1,500. 1, 2 and 3. Okay, so this is the emergency and let's see how much I have. Friends, मैं last time घर चली गई थी तो मैंने ये जो money है ये अपने bank में deposit कर दिया. So इसलिए मैंने यहाँ पे dummy money रखा है. So let's see how much I have now in emergency fund. So I have 2, 4, 5 and 6.
6,000 in emergency fund, which is great. Next, I have a savings. For savings, I'm doing in real money, that is the 1500. Okay. एंड ये भी मैंने अपना डमी मनी में चेंज कर दिया बिकॉज मुझे घर जाना था तो यहाँ पे मैं कैश छोड़ के नहीं जा सकती थी सो दैट्स वाई सो लेट्स सी हाउ मच आई हैव नाउ सो आई हैव 2,400 दैट इज 4,000 5,000 एंड 6,000 6,000 इन सेविंग्स ऑल्सो विच इज ग्रेट नेक्स्ट आई हैव इज रिटायरमेंट सो फॉर सॉरी For retirement, I'm doing in real, dummy money. So, 1500 for the retirement. So, this is done. So, in this binder, the categories which I have is bill, charity, temple, recharge, insurance, investment, emergency, savings and retirement. Friends, अगर आपको इसमें से कोई भी कैश एनवलप्स आप अगर बाय करना चाहते हैं सो डू लेट मी नो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं आपको अपने यहाँ पे स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सो आई टेल यू कि आप कैसे इनको बाय कर सकते हैं सो दीज आर अवेलेबल इन माई शॉप नाउ ओके सो नाउ लेट जस्ट मूव टू द नेक्स्ट बाइंडर सो द नेक्स्ट बाइंडर आई हैव इज दिस द क्लियर बाइंडर विच इज माई फेवरेट बाइंडर अमंग द ऑल क्योंकि इसमें पूरा सिंकिंग फंड रहता है सो द फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रैवल फॉर ट्रैवल आई एम डूइंग 1500 दिस आई विल डू इन रियल मनी 1500 इन ट्रैवल नाउ ओके मेरे पास में कुछ बचा हुआ भी है 100 रुपीज मेरे पास बचे हुए हैं सो नाउ आई हैव 1600 इन ट्रैवल मेडिकल में आई एम डूइंग 500 विच आई डू इन रियल मनी सो 1500 इन मेडिकल नेक्स्ट इज गिफ्ट्स फॉर गिफ्ट्स आई एम डूइंग द सेम 500 रुपीज और ये भी मैं रियल मनी में ही करने वाली हूँ सो 500 गिफ्ट्स नेक्स्ट आई हैव इज बर्थडे ये मैं डमी मनी में कर रही हूँ 100 रुपीज सो आई हैव नाउ 400 रुपीज इन बर्थडे वेट यार ये बार बार सब मैसअप हो रहा है इधर आई थिंक इट्स डन नाउ ओके सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज फेस्टिवल फॉर फेस्टिवल आई एम डूइंग द 100 रुपीज एंड दिस आई एम डूइंग इन डमी मनी 100 नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ फन ये मैं ऑनलाइन अपने पेरेंट्स को भेजती हूँ सो दिस आई डू इन डमी मनी 500 रुपीज For the fun and outings, I will do in real money 500 rupees. For electronics also, I'll do in real money. That is 500 rupees. For my wants, I'll do in real money. That is the 500 rupees. And for miscellaneous, I'll do it 200 rupees in dummy money. So now I have 600 rupees in miscellaneous okay so this is done now अब ये जो मनी है ये मेरे जाएगा कैश envelopes में स्मॉल कैश envelopes जो कि डेली एक्सपेंस में यूज होते हैं सो उसके लिए आई हैव द क्यूट कैश माइंडर्स ओके इसमें नहीं है वेट Yes, so here we got them, which is personal, eating out, petrol, beauty, utilities and buffer. So for personal, I'll do 500 rupees. For eating, I'll be doing 2000 rupees, which include my grocery items and the dining out. Petrol, I'll do 1000. Which is my cab and the metro charges. Beauty is 1000 rupees. Utilities is
500 rupees. And buffer is 150 rupees. ये रुपीस कैसे बच गए गाइस? मैंने सब में मनी स्टफ किया है और ये कैसे रह गए? हाउ मच इट इज? इट इज 1500. ये मैंने किधर मिस किया? क्योंकि काउंट 28,000 किया था. सो आई नीड टू चेक इट अगेन. सो लेट्स सी अगेन. इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. नो, बिल इज 7500. So this is 6, 7. This is correct. Charity real money में किया मैंने. Temple भी real money में किया. Recharge 250 डाला था. Insurance 2300. ये तो ठीक है. Invest 1500 में रखा मैंने. Okay. Emergency I have done in real cash. Savings भी मैंने real cash में ही किया है. Retirement 1500. ये मेरा डमी मनी में था. विच इज डन. सी नहीं, अनदर पॉइंटर. ट्रैवल 1500. तो ये मेरा 1500 ही मैंने इसमें स्टफ किए हैं. मेडिकल में मुझे 500 करने थे, आई डिड दैट. गिफ्ट्स में भी मुझे 500 करने थे, आई डिड दैट. बर्थडे में 100 करने थे, आई डिड दैट. क्लोथ्स में ओके, मैंने क्लोथ्स में स्टफ नहीं करे. सो क्लोथ्स में मुझे 1500 स्टफ करने थे एंड आई हैव 200 मोर. सो इन क्लोथ्स नाउ आई हैव 1700 विच इज ग्रेट अमाउंट. एंड विंटर इज ऑल्सो कमिंग सो आई कैन बाय समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ. सो दैट्स ग्रेट. सो अभी हमारा ये वाला बाइंडर भी हमने फिल कर दिया. ये वाला बाइंडर भी फिल कर दिया और ये क्यूट कैश एनवलप्स भी फिल कर दिए जो कि मेरे वॉलेट में रहते हैं. सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक द आइडिया ऑफ यूजिंग डमी मनी विद द रियल मनी एंड यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस आइडिया, देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट उनको भी कुछ आइडिया मिल जाए. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डू कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है सो दैट आई कैन कम टू नो आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बिकॉज लोग वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.